जब भी जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि बच्ची को देखते हैं तो वो उसको भी हाँ जी बर्दाश्त बोलिए। करना बहुत मुश्किल होता है अपने माँ बाप को देखकर, और हमें भी। और वो एक एक दिन गिनती है वो, और जब हमने जाना होता है वो कहती मुझ रात भर मैं सोती नहीं हूँ, मैं वेट करती रहती हूँ, घंटे गिनती रहती हूँ। तो मेरी बच्ची आना चाहती है, देखिए इन्होंने इतना जुल्म किया, पहले मेरे हस्बैंड और उसके बाप को बदनाम किया कि मेरे पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे घर वालों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरे भाइयों पे इल्ज़ाम लगाए, मेरी बहनों पे इल्ज़ाम लगाए, हमने सब बर्दाश्त किया। तो अब मेरी बच्ची घर आना चाहती है, और वो ये लोग मतलब इनकी इनकी इतनी पावर है कि कभी भी किसी भी जज को कुछ बोल देंगे, किसी को भी बोल देते हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है कोई भी। ये कहाँ होता है, अगर बच्ची बोलती मैंने उनके साथ जाना तो 1 सेकंड लगता है, माँ बाप की नहीं सुनते, कुछ भी नहीं करते, भेज देते। अब बच्ची चीख चीख के बोल रही है वहाँ पे कि मैंने आने, अब तो लेटर हर चीज़ आ चुकी है, उसके बावजूद ये जाकर बोल रही है जज ठीक नहीं है, ये चीज़ नहीं है। बच्ची आना चाहती है, इतना जुल्म कर रहे हैं, उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, हमारे मेरा घर तबाह कर दिया इन लोगों ने, हमारी ज़िंदगी तबाह कर दी है, मेरे बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब करके रख दिया इन लोगों ने। आप हुकूमत से अदालतों से क्या कहेंगी? ये कहना चाहती हूँ, देखें कितनी बच्चियों के साथ ऐसा होता है, जब वो बच्चियाँ कहती हैं मैंने अपने माँ बाप के पास जाना है, फ़ौरन कोर्ट ऑर्डर देती है, तो ये फ़ौरन बच्चों को दे दिया जाता है। लेकिन ये मेरी हमारे केस में ये लोग पता नहीं नए से नए चीज़ें निकालते हैं, नए से नए इल्ज़ाम लगाना और ये चीज़ें करना, और फिर ये जिसको चाहे इल्ज़ाम लगा देते हैं और वो दूसरे लोग डर के बैठ जाते हैं। तो जब मेरी बच्ची कह रही है आना है तो उसको कौन रोक सकता है माँ बाप के पास आने से, या जो बच्चा जहाँ भी जाना चाहे। तो आपकी जब पहली मुलाकात हुई तो वो कैसी रही? बच्ची क्या दबाव में थी, खौफ में थी? अगर आपकी 5-6 मुसलसल मुलाकातें रही हैं, जब बच्ची को आपने तसल्ली दी है कि आप उनके साथ हैं, तो आखिरी मुलाकात आपकी कैसी रही थी? आखिरी मुलाकात तो उसको यही तो उम्मीद थी कि बस जैसे वो मुलाकात नहीं होगी, उससे पहले वो घर आ जाएगी, क्योंकि जब मैं हम जाते हैं तो कहती है मामा बाबा मैं आपको सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ, मुझे तीसरे दिन घर आना है। तो हम उसको कहते नहीं बेटे 2-3 दिन नहीं, 1 हफ्ते का आप टाइम दो, इंशाल्लाह ताला इतना टाइम तो कोर्ट में लगता है। लेकिन जब हम जाते हैं तो जाहिर सी बात है वो 15 दिन के बाद हमारी मुलाकात आती है, तो वो इस तरह चीज़ें होती हैं। तो वो कहती है मामा बाबा मैं जब घर आना चाहती हूँ तो मुझे क्यों नहीं घर आने देते, मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, लिख के दे रही हूँ, सब कुछ है, तो मैं अपने घर आना चाहती हूँ। वो बच्ची उसको तो नहीं पता इन चीज़ों का ना कि किस तरह होता है, तो ये चीज़ समझना तो मेरे लिए इतना मुश्किल है, मैं एक माँ हूँ। तो फिर मुझे भी समझाया जाता है कि नहीं कोर्ट के सिलसिले ये इस तरह नहीं होते, टाइम लगता है। तो अब वो ज़िद करती है मैंने घर आना है, वो तड़प रही है वहाँ पर, हम यहाँ तड़प रहे हैं, वो वहाँ तड़प रही है, और ये लोग चाहते हैं कि इनको टाइम मिले और ये बच्ची से मिले, और बच्ची को फिर ये धमकाएं जिस तरह इन्होंने पहले धमकाया है। इनकी सारी चीज़ें खुल जाएंगी ना, जो जो उसके ऊपर जुल्म इन्होंने इतने महीने किया है, वो आके अपनी ज़बानी बताएगी। तो ये लोग इसलिए चाहते हैं ये अपने माँ बाप के पास ना जाए। इल्ज़ाम तो ये भी लगता रहा है कि बच्ची मिलना नहीं चाहती थी जब आप लोग मिलने के नहीं लिए गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है, बच्ची को उन्होंने, मैं आपको अभी क्या बताऊँ, पता नहीं बताना भी चाहिए कि नहीं, इन्होंने बच्ची को इतना डराया हुआ था, इतना कुछ इसको बोला हुआ था अपने माँ बाप के लिए कि आपने नाम नहीं लेना, आपने जाना नहीं है, आपने कुछ बोलना नहीं है, और बहुत सारी बातें जो नहीं बता सकती मैं आपको भी। तो वो बच्ची को ये चीज़ें थी, लेकिन जब बच्ची मिली है और वो समझ लें 1-2 मिनट बाद, वो जब जज साहिबा भी बैठी हुई थी जब फर्स्ट मीटिंग में, तो वो उसने अपने बाप से गिला कि आप मैं आ बाबा आप इतने पास हैं हम कराची में, तो आप मुझे मिलने क्यों नहीं आते। तो वो जो चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो ऑफिसर थी उन्होंने मुझे कहा कि इसे मुझसे बार बार पूछती कि मेरा वालिस गेट जो है हमारे घर का आपके यहाँ से कितना दूर है, मैंने कहा 15, वो कहती है मैंने कहा 15-20 मिनट का रास्ता है। तो कहती है बाबा इतने पास हो के आप मिलने नहीं आए, ये नहीं पता था कि हमें तो इजाज़त ही नहीं मिली हुई थी। तो आप ये सोचें वो पहले दिन से वेट कर रही थी हमारा, तो अब वो चीख रही है कि मैंने घर आना है, तो अभी इनके ये जुल्म ये कर रहे, इतना क्यामत कर रहे हैं ये लोग। दो बातें, शुरू में तो हमने देखा जब कोर्ट के अंदर जब आप लोग जाते थे तो वो मेरे ख्याल में देखना भी पसंद नहीं करती थी, कुछ इस तरह का एक तासुर बनता था, ये क्या चीज़ थी? और फिर अब आपसे वो ये कह रही है कि जुल्म हो रहा है और मेरे ऊपर वहाँ पर। देखिए मैं इसका आंसर मैं देता हूँ उसका। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है बच्चियों को इतना डरा दिया जाता है कि बच्चियाँ जो हैं अपने घर वालों की तरफ देखती भी नहीं हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये पहला केस हो, ऐसे पहले भी केस होंगे। ये केस आपके सामने है, ये लेटर्स आपके सामने हैं, वही बच्ची है।
सिर्फ 4 महीने उनके इन्फ्लुएंस से दूर रही है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, और उसका जो माइंड है वो इन लेटर्स के अंदर क्लियरली खुलकर आपके सामने है। बच्ची पर जो प्रेशर था, बच्ची पहली मुलाकात में सहमी हुई थी, उस 5 मिनट के बाद वो वही बच्ची थी जो हमारे सामने इस घर में हुआ करती थी। उसका वो सारा खौफ दूर हो गया, क्योंकि उसने उसको जिस तरीके से डराया गया था और जो धमकाया गया था उसका वो सारा डर उतरा। अब वो विलिंग है कि एक लम्हे से पहले घर वापस आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा कानून ऐसा है और उसके अंदर इतनी गुंजाइश है मुलजमों के लिए या मुजरमों के लिए, मुझे करेक्ट अगर मैं अल्फाज यूज़ करूं, कि वो इनका फ़ायदा उठाते हैं और डिले टैक्टिक्स। मैं कहता हूं, अगर मैंने अभी बोला कि अगर 8 महीने ये ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ, मैं कहता हूं अगर महीना और भी नहीं हो तो उससे फ़र्क शायद इतना ना पड़े, लेकिन बच्ची अगर विलिंग है और वो तकलीफ़ में है, अपने घर वापस आना चाह रही है, अपने दिल से बगैर किसी प्रेशर के वापस आना चाह रही है, तो मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी कानून रोक सकता है बच्ची को, और बच्ची को फौरन वापस भेजना चाहिए। मुलजमान की तरफ से आपने जिक्र किया कि जी उस पर जुल्म किया जा रहा है या किया गया, देखें ये चीज़ें कोर्ट के अंदर डिस्कस हों तो बेटर होंगी। मैं ये माँ ने कुछ चीज़ें रिवील कर दी, मैं ये नहीं करना चाह रहा था और मैं भी नहीं करूँगा। बहुत बेहतर होगा कि बच्ची जब कोर्ट में आए, किसी भी कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल है, फैमिली कोर्ट में भी ट्रायल है, कहीं ना कहीं तो बच्ची को बुलाया जाएगा, तो वहाँ पर वो जो चीज़ें रिवील करेगी वो वहीं तक रहने दें। फिलहाल सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बच्ची की उसकी बेहतरी के लिए कि बच्ची फौरन घर वापस आए, और मेरा ख्याल है कि ये टाइम है कि अदलिया को स्टेप लेना चाहिए, और अगर बच्ची विलिंग है तो बच्ची की विल जो है वो ट्रायल कोर्ट के अंदर मौजूद है, उसको उसके मुताबिक बच्ची को फौरन घर भेजना चाहिए। जब आपकी मुलाकात उससे होती है तो वो किस तरह से नॉर्मल आपको नज़र आती है या बहुत रोना पीटना या परेशान होती है? देखें वो डेफिनेटली अपनी बहनों के लिए रोती है, हमारे लिए रोती है, चूँकि वो हमारे से मिल नहीं सकती। 15 दिन वो एक एक मिनट वो कहती है कि मैं एक एक लम्हा गिन कर गुजारती हूँ, तो आप खुद सोचिए ये उसके लिए कितना अजियतनाक होगा, एक बच्चे के लिए, एक 14 साल के बच्चे के लिए, कि वो अपने वालदेन से दूर हो और इस सिचुएशन इस क्राइसिस से गुजर कर आया हो और उसके बाद वो अपने माँ बाप से ना मिल सकता हो। ये तो मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने, जस्टिस पवार साहब ने हमें मौका दिया, और उसके बाद फैमिली कोर्ट ने मुलाकात लो की, और अब ये सारी चीज़ें रिवील हो रही हैं, और यही इन्हीं रिवील होती हुई चीज़ों का डर है दूसरी पार्टी को, कि वो अब खौफजदा होकर डिले टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं, और वो नहीं चाह रहे कि बच्ची अपने घर आए, या वो नहीं चाह रहे, आपने देखा होगा कि वो बच्ची की 164 उन्होंने लगाई हुई थी और वो उन्होंने कैंसिल कर दी। क्यों कैंसिल की? उन्हें इस चीज़ का डर था कि अब बच्ची आएगी और बच्ची आकर रिवील करेगी वो चीज़ें जिसका उन लोगों को डर है। अच्छा, वो माहौल अंदर कैसा है वहाँ, सेफ्टी और सिक्योरिटी के वाले से बच्चे? सर, बहुत सेफ माहौल है। मैं पर्सनली मैं सबसे पहले तो ये दुआ करूँगा कि हर बच्ची अपने घर में रहे और ऐसी जगहों से कोई बच्ची ना आए, लेकिन अगर कोई किस्मत किसी बच्ची को ऐसी जगहों पे ले आती है तो मेरे ख्याल से ये बड़ा सेफ शेल्टर हाउस है। इनके SOPs हैं, बड़े स्ट्रिक्टली ये उन SOPs को फॉलो करते हैं। आप यकीन करें, मैं शुगर का पेशेंट हूं और अपने साथ बिस्किट या पानी की बोतल रखता हूं, क्योंकि 3 घंटे या 5 घंटे की जो मुलाकात होती है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, इस सेंस से कि मुझे इनटेक करना पड़ता है पानी या मीठी चीज़ का, तो मैं अपना पानी की बोतल मैं उस बच्ची को नहीं दे सकता, वो SOPs उनके हैं। बच्ची ने अगर कोई चीज़ यूज़ करनी होती है, पानी पीना होता है, कोई चीज़ खानी होती है, तो वो शेल्टर हाउस का जो उनका अपना डेडिकेटेड पानी है वो वहाँ से आता है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उनका वो कितनी केयर करते हैं इस चीज़ की। अच्छा, लेटर में उन्होंने क्या लिखा है? कोई आपको बर्थडे विश भी किया था, मैं सुना था कि और भी कुछ लेटर हैं, एक दो लेटर हैं या 5-6 मुख्तसर लेटर? सर, ये 7-8 डिफरेंट लेटर्स हैं। बच्ची ने बड़ा खूबसूरत सा एक कार्ड भी बनाया था जो कि कोर्ट के अंदर जमा है। इसके अंदर उसने मुझे मेरी बर्थडे विश की, हालांकि तब तक तो मुझे बच्ची से मिलने की हमें परमिशन भी नहीं मिली थी, मेरी 1 अगस्त को बर्थडे है। उसने तब से एक लेटर मेरे लिए लिख कर रखा हुआ था।
ये मेरी हमारी पहली मुलाकात से भी पहले की बात थी। उसके बाद उसने मेरे लिए जो 25 नवंबर उसके बाद 26 नवंबर और उसके आनवर्ड्स आगे पीछे करके डेट्स के ऊपर उसके लेटर्स हैं जो उसने डेट और टाइम तक लिखा हुआ है। उसके अंदर उसने क्लियरली ये लिखा है कि मैंने अपने घर आना है और मुझे जज साहब कब कोर्ट में बुलाएंगे ताकि मैं आकर बोलूँ, या मुझे यहाँ पर जज साहब मेरे पास कब आएंगे और मुझे आके मेरा पूछेंगे कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ और मैं उन्हें बताऊँ कि मैं घर जाना चाहती हूँ और मुझे फ़ौरन से मेरी बहनों के पास, मेरे माँ बाप के पास घर भेजा जाए। अब मुझे बताएं, एक बच्ची 14 साल की बच्ची और क्या कर सकती है, वो शेल्टर हाउस में भी बार बार बोलती है, क्योंकि शेल्टर हाउस इस केस की हाइप की वजह से वो इस चीज़ को शायद आगे नहीं ला सके, लेकिन अच्छा हुआ एक कोर्ट की तरफ से आर्डर गया और कोर्ट ने खुद ही शेल्टर हाउस से बच्ची की विल पूछ ली जो कि आज कोर्ट में जमा भी हो गई है। मेरा सवाल है कि बच्ची किस तरीके से अपने घर आएगी, बच्ची खुद आना चाह रही है, अब क्या प्रोसीजर है मुझे बताया जाए ताकि मैं वो मैं फॉलो कर सकूँ, मैं कौन सी अदलिया का दरवाज़ा खटखटाऊँ, कहाँ पर जाऊँ। आप इसे फोकस करना चाहते हैं कर सर, ये उसने कार्डबोर्ड बनाया था, ये उसके सारे लेटर हैं और इसने ये मेरे लिए ब्रेसलेट बनाया और ये अपनी छोटी बहन के लिए उसने प्रोटेक्शन वालों ने उसे कार्डबोर्ड प्रोवाइड किए थे अंदर पीसेस अंदर किए हुए, ये उसने खुद क्योंकि वो घर भी बनाती थी वहाँ भी वो सीख भी रही है साथ में और ये उसे बनाए मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए छोटी सी। इसके अंदर उसने मुझे ये जो डिफरेंट लेटर्स थे ये तय करके ये इसमें रखे हुए थे जो कि मैंने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को पहले दिखाए, उनको पढ़ाए, उनकी परमिशन ली कि मैं ये लेकर जा सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप इन्हें लेकर जा सकते हैं, ये आपकी अमानत है। ये मैं लेकर आया, मैंने जिब्रान नासिर को दिए, उन्होंने ये कोर्ट के अंदर जमा करवा चुके हैं। अब चूंकि इनको अगर आप पढ़ें तो आपको सारा मामला क्लियरली पता चल जाएगा। तो अब चूंकि उन्हें पता है कि वो बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं और उनके तमाम जो कारनामे थे वो मंजरे आम पर आ जाएंगे, वो उस डर से अब वो नहीं चाह रहे कि बच्ची घर वापस आए, बच्ची कोर्ट में आए या कुछ भी हो, वो इसी तरह डिले टैक्टिक्स खेल रहे हैं और ये बच्ची की ज़िंदगी के साथ एक इंतहाई मैं क्या बोलूँ, एक जुल्म है बच्ची की ज़िंदगी के साथ, एक 14 साल की बच्ची है उसके साथ ये जुल्म कर रहे हैं और एक तरफ वो बच्ची की के लिए ढंडोरा पीटते हैं कि हम बच्ची के बहुत बड़े हामी हैं। अब आप खुद इन लेटर्स को अगर आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि बच्ची के साथ क्या ये क्या कर रहे हैं। थैंक यू।